साधु और चूहे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधु मंदिर में रहता था। उनकी दिनचर्या प्रभु की भक्ति कराना और आने जाने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देना था। गांव वाले भी जब भी मंदिर जाते तो साधु को कुछ न कुछ दान दे के आते थे। इसलिए साधु को भोजन और वस्त्र की कभी कोई कमी ही नहीं होती थी। रोज भोजन करने के बाद साधु बचा हुआ खाना छीके में रख कर छत से टांग देता था। समय ऐसे ही आराम से निकल रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब सी घटना होने लगी थी। वह जो खाना छीके में रखता था गायब हो जाता था। साधु ने परेशान होकर इस बारे में पता लगाने निर्णय किया। उसने रात को दरवाजे के पीछे से छिपकर देखा कि एक छोटा सा चूहा उसका भोजन निकाल कर ले जाता है। दूसरे दिन उन्होंने छींके को और ऊपर कर दिया ताकि चूहा उस तक ना पहुंच सके, लेकिन यह उपाय भी नहीं काम आया। उन्होंने देखा कि चूहा और ऊंची छलांग लगाकर छींके पर चढ़ जाता और भोजन निकाल के लेता था। अब साधु चूहे से परेशान होने लगा था। एक दिन उस मंदिर में एक भिक्षुक आया। उसने साधु को परेशान देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो साधु ने भिक्षुक को पूरा किस्सा सुना दिया। भिक्षुक ने साधु से कहा कि सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना ऊंचा छलांग लगाने की शक्ति कहां से आई। उसी रात भिक्षुक और साधु दोनों ने मिलकर पता लगाना चाहा कि आखिर चूहा भोजन कहां से ले जाता है। दोनों ने चुपके से चूहा का पीछा किया और देखा मंदिर के पीछे चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ था। चूहे के जाने के बाद उन्होंने बिल को खोदा तो देखा कि चूहे के बिल में खाने पीने का सामान भंडार ही पड़ा था। तब भिक्षुक ने कहा कि इसी वजह से ही चूहे में इतना ऊपर छलने की शक्ति आती है। उन्होंने उस सामग्री को निकाल लिया और गरीबों में बांट दिया। जब चूहा वापस आया तो उसने वहाँ पर सब कुछ खाली पाया तो उसका पूरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। उसने सोचा कि वह फिर से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेगा। यह सोचकर उसने रात को छीके के पास छलांग लगाई, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नहीं पहुंच पाया और साधु ने उसे वहां से भगा दिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसाधनों के अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, इसलिए जो भी संसाधन आपके पास हो उसका ध्यान रखना चाहिए।